नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा में मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम पर हमला, दौरा दौरा कर पीटा, EVM को तोड़ा, मुखिया प्रत्याशी समेत 6 गिरफ्तार। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में 11वें और अंतिम चरण के मतदान के दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम पर हमला करने, EVM एवं अन्य चुनाव सामग्री को तोड़ फोड़ करने के आरोप में मुखिया प्रत्याशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि दर्जनों लोगों की भीड़ ने मजिस्ट्रेट को दौरा दौरा कर पीटा। रविवार को SSP बाबूराम ने घटना की पुष्टि करते हुए चिगड़ी पंचायत के बूथ संख्या 151 एवं 152 पर चुनाव कार्य में बाधा डालने, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पर हमला करने तथा EVM और अन्य चुनाव सामग्री को तोड़ फोड़ करने के आरोप में मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र चौपाल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बूथ पर मारपीट एवं तोड़फोड़ के बाद पहुंचे बिरोल SDPO सहित वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य दंडाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। SSP ने बताया कि मुख्य अभियुक्त मिथिलेश यादव और उसकी पत्नी फरार है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बिरोल SDPO के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पूरे मामले में दिलकेश्वर OP प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, इसकी जाँच की जा रही है। तो दोस्तों, आगे किस तरह से जांच की जाती है, आप बने रहे BR07 न्यूज के साथ। हम आपको देंगे पल पल की सारी खबरें। धन्यवाद। I'm not.